Hello everyone, welcome to the whiteboard classes. So moving ahead with our mixture and alligation topic. Aaj ka pehla question hai. The diluted wine contains only 8 liter of wine and rest is water. Ek diluted wine hai. Usme 8 liter to pure wine hai. Pure wine kitni hai? 8 liter hai. Aur baki ka water hai. Theek hai? वाटर का अभी कंसेंट्रेशन नहीं बताया और उसके आगे क्या बोला गया है कि एक न्यू मिक्सचर बनाया गया, एक न्यू मिक्सचर बनाया गया, उसमें कंसेंट्रेशन कितना था 30%. कंसेंट्रेशन मतलब कि 30% उसमें प्योर वाइन थी, 30% प्योर वाइन थी, तो बाकी का 70% क्या होगा? वाटर होगा. तो यहाँ से अगर रेशियो देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 3:7. मतलब जो एंड में मिक्सचर बना, फाइनल मिक्सचर बना, उसका रेशियो क्या था? 3:7. ठीक है, अब ये मिक्सचर बनाया कैसे गया? आगे क्या बोला गया है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड विथ प्योर वाइन इफ देयर वर 32 लीटर्स ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इनिशियली. मतलब इनिशियली यहाँ पे 32 लीटर ऑफ वाटर था. अब इसमें से कुछ पार्ट निकाला जाए और उतना ही पार्ट प्योर वाइन मिक्स करी जाए, उतनी ही पार्ट प्योर वाइन मिक्स करी जाए, तो उससे ये कंसेंट्रेशन, ये नया वाला जो मिक्सचर है वो बनना चाहिए. तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा वाइन और वाटर का? यहाँ से रेशियो हो जाएगा 1:4. ठीक है, 1:4 यहाँ से हो गया. अगर यहाँ से हम प्योर वाइन का पार्ट निकालें तो क्या हो जाएगा? 1/1+4, 1/5. सिमिलरली अगर यहाँ से हम वाइन का पार्ट निकालें तो कितना आएगा? 3/3+7, 3/10. ठीक, तो डाइल्यूटेड वाइन में प्योर वाइन इतनी थी, मिक्सचर में जो एंड में कंसेंट्रेशन बना उसमें प्योर वाइन इतनी थी, 3/10. ठीक है, तो अगर हम इसमें एलिगेशन लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे? एलिगेशन के लिए डाइल्यूटेड वाइन थी 1/5. ठीक है, उसमें प्योर वाइन मिलाई गई. हमने पहले ही बात करी है कि जब भी प्योर का यूज हो उसमें हमेशा हम लेते हैं 1. ठीक है, अगर फ्रैक्शन की बात होती है, और अगर यहाँ पे परसेंटेज की बात होती तो हम लेते प्योर की, प्योर में 100%. ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन की बात है इसलिए 1 लेंगे. और उसके बाद जो फाइनल बना था वो क्या बना था? 3/10. अगर हम यहाँ से एलिगेशन लगाते हैं तो ये कितना आएगा? 7/10. ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 3/10 - 1/5, 10, 3 - 2, 1/10. तो ये आ गया 7:1. इसका रेशियो आया 7:1. यहाँ पे 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 इसके पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 इसके पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब जो इतना कंसेंट्रेशन यहाँ था वो उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 7. और इसका कंसेंट्रेशन जितना था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1. अब क्वेश्चन में क्या था कि इसमें से कुछ पार्ट निकाला गया और उतना ही पार्ट ऐड कर दिया गया. इसमें से कुछ पार्ट निकाला गया और उतना ही पार्ट ऐड कर दिया गया. और दोनों का टोटल कितना होगा? दोनों का टोटल कितना था? देखिए, 8 + 32 40 लीटर्स था. ठीक है, 40 लीटर्स में से कुछ निकाला गया, लेट सपोज एक निकाला, एक्स निकाला गया, और इतना ही यहां पर ऐड कर दिया गया. तो एंड में जो बनेगा वो 40 लीटर्स ही तो होगा, क्योंकि उसमें से जितना निकाला था उतना ही ऐड कर दिया. तो यहाँ पर इन दोनों का कंसेंट्रेशन कितना होगा? 40 के इक्वल होगा. इन दोनों को अगर कंसेंट्रेशन हम मिलाएंगे, जितना ये था प्लस जितना ये था, वो कितना आएगा? 40 के इक्वल आएगा. ठीक है, और रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों कितने हैं? 7+1 = 8. रेशियो के अकॉर्डिंग कितने हैं? 7+1 = 8. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 8 इक्वल है 40 के, 8 इक्वल है 40 के. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसमें से कितना निकाला गया था? तो जितना निकाला गया था उतना ही ऐड करा गया था. तो अगर हम ये निकाल लें, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर हम 1 की वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर कितना कंसेंट्रेशन था. 8 की वैल्यू है 40, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5. इसका मतलब 5 लीटर्स ऑफ प्योर वाइन ऐड करी गई थी, तो इतना ही पार्ट यहाँ से निकाला गया होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 5 लीटर्स. आई होप क्लियर हुआ होगा. अगर क्लियर नहीं हुआ है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको कोशिश करूंगा उसे एक्सप्लेन करने की. नेक्स्ट क्वेश्चन के बिना, अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो इतना एंड इतना. एक वेसल है,
उसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 13:5, ठीक है। इसमें से क्या बोला गया है कि 27 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, 27 लीटर ऑफ मिक्सचर को बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, टेकन आउट। और क्या करा गया उसमें, 4.5 लीटर ऑफ बोथ मिल्क एंड वाटर आर एडेड। मतलब क्या कि 4.5 लीटर तो वाटर प्लस 4.5 लीटर्स ऑफ मिल्क को उसमें ऐड करा गया, तो टोटल ऐड कितना करा गया, टोटल ऐड करा गया 9 लीटर्स, ठीक है। टोटल कितना ऐड करा गया, टोटल ऐड करा गया 9 लीटर्स। और यहाँ पर जितना ऐड करा गया उसका रेशियो क्या हो जाएगा मिल्क और वाटर का, यहाँ पर ये 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था, 13:5, और ऐड कितना करा गया उसका रेशियो क्या है, 1:1। अब आइए कह रहा है, इफ द रिजल्टेंट कंटेन्स 30% वाटर, जो रिजल्टेंट है उसमें 30% वाटर है, तो मिल्क कितना होगा, मिल्क होगा उसमें 70%, ठीक है। 30% वाटर है तो बाकी का बचा हुआ मिल्क होगा 70%। यहाँ से अगर हम रेशियो देखें तो क्या आ जाएगा, 7:3, ठीक है। तो हमें पता क्या करना है, व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी इन द मिक्सचर बिफोर इट वॉज रिप्लेस्ड, हमें क्वांटिटी पता करनी है जो इनिशियली थी जब वो रिप्लेस नहीं हुआ था। तो अगर हम यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो किस तरह लगाएंगे, हमें इसका कंसेंट्रेशन नहीं मालूम है। अगर यहाँ से हम मिल्क लेंगे तो मिल्क कितना आएगा, 13:18, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ऐड कितना किया गया था, 4.5 लीटर्स मिल्क था और उतना ही वाटर था, तो टोटल था 9 लीटर्स, 9 लीटर्स ऐड करा गया। और यहाँ से अगर हम मिल्क का पार्ट लें तो कितना आएगा, 1:2, ठीक। और उसके बाद उसने क्या बोला था कि जो रिजल्टेंट बना है उसमें 30 लीटर्स ऑफ वाटर है, रिजल्टेंट का रेशियो क्या था, 3:7, ये था वाटर और ये था मिल्क। यहाँ से अगर हम मिल्क का पार्ट लें तो कितना आएगा, 7:10, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, 1:2 -7/10, इसको करेंगे तो ये आएगा 10, या 5 -7। एक और चीज़, अगर कभी भी एलिगेशन में एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इधर वाली वैल्यू भी नेगेटिव आनी चाहिए। अगर एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। अगर एलिगेशन में कोई एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आ रही है -2/10, तो दूसरी वैल्यू भी नेगेटिव आनी चाहिए। देखिए, अगर हम अभी हम कैसे कर रहे थे, इसमें से ये माइनस करा था, अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7/10 -13/18, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 180 18, और ये हो गया 126 -130। तो देख लीजिए, ये भी एक नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, ये कितनी आई, ये आई -4/180, और ये कितना आया, -2/10, ठीक है। अगर हम इसका रेशियो लेते हैं तो रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो आएगा 2/10 रेशियो 4/180, 2×9×9:1, इसका रेशियो क्या आ रहा है, 9:1। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इसका रेशियो आया एंड में 9:1। यहाँ पे 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें पता क्या करना है कि इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी, तो अगर हम इसको पता कर लें तो हम उससे निकाल सकते हैं कि इनिशियली कितनी थी, क्योंकि ये कंसेंट्रेशन कितना है, ये कंसेंट्रेशन है 27 लीटर्स निकालने के बाद, ये कंसेंट्रेशन है 27 लीटर्स निकालने के बाद। अगर हम ये कंसेंट्रेशन निकाल लें और उसमें 27 लीटर्स को ऐड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो कि इनिशियली थी रिप्लेसमेंट से पहले। आई होप समझ में आया होगा। तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, तो 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको। अगर 1 इक्वल है 9 के तो 9 किसके इक्वल होगा, 9 इक्वल होगा 9×9 81 के। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या था, 81 लीटर्स था। और ये 81 लीटर्स कब था, जब 27 लीटर्स को निकाल दिया गया था। इसका मतलब अगर हम इस पे 27 लीटर को ऐड कर दें तो हमारे पास वो कंसंट्रेशन आ जाएगी जो स्टार्टिंग में थी, ये जाके 8
सो स्टार्टिंग में कितना था टोटल? 108 लीटर्स कंसेंट्रेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिल्क वेंडर हैज टू केन्स ऑफ मिल्क, द फर्स्ट कंटेन 25, दो केन है, लेट अस सपोज C1 और C2, पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो, दूसरे में मिल्क और वाटर का रेशियो। पहले क्या है, पहले में 25% वाटर है, 25% वाटर है तो ये कितना होगा 75%। ओके, सिमिलरली सेकंड में क्या है, 50% वाटर है तो ये भी क्या होगा 50%। तो अगर हम यहाँ से रेशियो निकालें तो ये कितना आएगा, 3:1, ये कितना हो जाएगा, 1:1। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्स्ड फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर टू गेट 12 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब इसमें से कुछ लीटर्स लिया गया और इसमें से कुछ लीटर लिया गया और दोनों को मिलाकर कितना बनाया गया, 12 लीटर। इसका मतलब जो इसमें से कंसेंट्रेशन लिया गया और जो इसमें से कंसेंट्रेशन लिया गया, दोनों का सम कितना है, 12 लीटर्स, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके आगे क्या कहा गया है कि देन द फाइनल रेशियो इज ऑफ मिल्क टू वाटर इज 5:3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एलिगेशन लगाएं, इधर से पार्ट कितना हो जाएगा मिल्क का, इधर से हो जाएगा 3:4, इधर से कितना हो जाएगा 1:2, इधर से कितना हो जाएगा 5:8। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लगाएं एलिगेशन तो हो जाएगा ये 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/2 माइनस 5/8, 8, 4 माइनस 5। ठीक है, ये नेगेटिव में आ रहा है, कितना, -1/8। अब हम यहाँ पे करेंगे तो ये भी नेगेटिव में आना चाहिए, अगर नेगेटिव में नहीं आता इसका मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5/8 माइनस 3/4 हो जाएगा 8, 5 माइनस 6, ये भी आ गया नेगेटिव में, इसका मतलब सही है, -1/8। तो अगर हम इसका रेशियो लें तो रेशियो कितना आ जाएगा, -1/8 ये हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो अगर हम रेशियो के हिसाब से देखें तो दोनों का कंसंट्रेशन कितना है, 2 है। रेशियो के हिसाब से देखें ये, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों का मिलाकर कितना है, 2 है रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में गिवन कितना है, वो है 12। तो हम कह सकते हैं कि 2 किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 6 के इक्वल। इसका मतलब क्या है, ये 6 लीटर मिलाया गया था और ये 6 लीटर मिलाया गया था। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 40% इज वाटर, मिल्क और वाटर में 40% वाटर है, ये 60% होगा। और क्या कहा गया है कि व्हेन 15 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड, मतलब इसमें से 15 लीटर्स रिमूव करा गया, आउट कर दिया गया, ठीक है, एंड देन 21 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, फिर उसके बाद 21 लीटर वाटर को ऐड करा गया, ठीक है, केवल वाटर को ऐड करा गया, द वाटर बिकम 75%। और जो एवरेज, मतलब जो एंड में बना उसमें वाटर कितना है, 75%। ठीक है, तो अगर हम इसमें एलिगेशन लें, इसमें हम एलिगेशन वाटर के हिसाब से ले सकते हैं, कैसे लेंगे, यहाँ पर कितना था 40%, इनिशियली कितना था 40%, उसमें क्या करा गया, उसमें प्योर वाटर ऐड करा गया, कितना, 21 लीटर्स प्योर वाटर। प्योर वाटर के लिए हमने बोला था कि जब भी परसेंटेज में बात होगी तो यहाँ पर प्योर के लिए 100% लेंगे, और अगर फ्रैक्शन में बात होती तो वहाँ पर हम क्या लेते, 1 लेते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 100%, ये 40%, और जो फाइनल में बना उसमें कितना वाटर है, 75%। तो अगर हम यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो 25%, और ये हो जाएगा 35%, और जब हम इसका रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा 5:7। ठीक है, 5:7 आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, मतलब फाइनल क्वांटिटी क्या होगी, ये प्लस ये, क्योंकि इन दोनों को ही तो मिलाया गया है ना, तो क्या हो जाएगी फाइनल क्वांटिटी, ये प्लस ये, 7 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको,
5 रिप्रेजेंट करेगा इसको, ठीक है। तो 7 की वैल्यू क्या है, 7 की वैल्यू है 21, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 अपॉन 7 इंटू 5 हो जाएगा 15। तो इसका मतलब क्या है, ये 15 लीटर्स था और ये 21 लीटर है। तो फाइनल कितना होगा, फाइनल होगा 15 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 36 लीटर्स, ठीक है। और इनिशियली पूछा गया है तो इनिशियली कितना हुआ होगा, देखिए यहाँ पे कितना निकला, यहाँ पे निकला 15 लीटर्स। और ये 15 लीटर्स क्या था, ये 15 लीटर्स था जब इसमें से 15 लीटर को निकाल दिया गया था। ये 15 लीटर कब आया था, जब इसमें 15 लीटर्स को निकाल दिया गया था, तभी तो ये 15 लीटर बना था। तो इनिशियली कितना हुआ होगा, इनिशियली होगा 15 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 30 लीटर्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लीटर्स ए एंड बी, एक मिक्सचर है जिसमें दो लिक्विड है ए और बी, और किस किस रेशियो में है, रेशियो में 7:5 में, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 9 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड 9 लीटर्स ऑफ लिक्विड बी इज एडेड, मतलब इसमें से 9 लीटर्स को आउट कर दिया गया, ठीक है, और 9 लीटर्स को ही ऐड करा गया, और 9 लीटर को ऐड करा गया उसमें कौन सा लिक्विड डाला गया, ओनली बी, मतलब प्योर बी ऐड करा गया, ठीक है। द रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम्स 7:9, तो जो एंड में बना ए और बी का रेशियो वो कितना बना, 7:9। हमें पता करना है कि इनिशियली क्या थी और फाइनल क्या है। तो अगर हम इसमें एलिगेशन लगाएं, तो यहाँ से अगर हम लें बी का पार्ट लेते हैं, क्योंकि बी यहाँ पर प्योर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अगर बी का पार्ट लें तो 5/12, यहाँ से लें तो 9/16, और यहाँ लें तो प्योर कितना है, वाटर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 7/16, और हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9/16 माइनस 5/12, 48, 3×27 माइनस 4×20, तो ये हो गया 7/48। जब हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 7/16 रेशियो 7/48, इसे ये गया, इसे ये 3× गया, ये ऊपर जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1, मतलब 3:1 का रेशियो था। अब उसने क्या पूछा गया कि फाइनल, और ये जो बी ऐड करा गया वो कितना था, 9 लीटर्स था। तो इसमें 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 रिप्रेजेंट करेगा 9 को, 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 रिप्रेजेंट करेगा इसको, ठीक है। तो अगर हम फाइनल वैल्यू निकालें तो जितनी ये होगी प्लस जितनी ये होगी वो फाइनल हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 रिप्रेजेंट करेगा 9×3 को, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो यहाँ पे क्या, 27, तो फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल था 3+36, ये फाइनल हो जाएगा। और इनिशियली क्या था, देखिए जितना निकाला गया था उतना ही तो ऐड कर दिया गया था, तो जो फाइनल है वही इनिशियल होगा, मतलब इनिशियली भी कितना था, 36 लीटर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर बी मिक्स्ड विथ 30 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग 16 रुपीज पर लीटर। ओके, सो इसने क्या बोला गया है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विथ 30 लीटर ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग, उसकी कॉस्ट क्या है, 16 रुपये पर केजी। हम यहाँ पे रिलेटिव वैल्यू ले रहे हैं, 16 रुपये पर केजी, ठीक है। और आगे क्या कहा गया है, उसमें वाटर मिलाया गया। अब वाटर की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, इसकी कॉस्ट प्राइस इतनी, वाटर की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, वाटर तो फ्री आता है इसलिए वाटर की कॉस्ट प्राइस हम लेते हैं 0, और हमें निकालना है इसकी वैल्यू, ठीक है। और आगे क्या कहा गया है कि ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट 9 रुपीज पर लीटर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, इसका मतलब क्या है, उसकी एसपी क्या है, उसकी एसपी है 9 रुपये पर लीटर, ठीक है, और उस पर उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, उस पर उसे प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो अगर हम यहाँ से सीपी निकालना चाहें तो सीपी कितनी हो जाएगी, 9 कितना है,
120% है तो इसका 100% कितना हो जाएगा, जाएगा 5 टाइम्स, ये जाएगा 6 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, तो हो जाएगा 15 बाय 2 और हम कह सकते हैं 7.5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एलिगेशन लगाएं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.5 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 रेशियो 8.5, ये क्या, ये जाएगा 1.5 और ये कितना जाएगा 1.7। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, इसमें 15 की वैल्यू है 30, तो 17 किसके इक्वल होगा, 17 होगा इक्वल अपॉन 15 इंटू 17, ये जाएगा 34। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 34 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करा गया था। आई होप क्लियर हुआ होगा।